नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान दो जिलों में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुआ, उसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। और देखिए, अब दोनों जो दो जगहों पर जो हिंसा हुआ था, दोनों जगहों के घटनाक्रम को लेकर अब जो बिहार के DGP हैं RS भट्टी, वो देखिए अब एक्शन मूड में दिख रहे हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं कि दोनों जगहों पर का कैसा माहौल है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए जानकारी देते हुए क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के DGP RS भट्टी, आप देखिए इस वीडियो में। बात शुरू से बताता हूँ, वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई? क्या मामला? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है, उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो सासाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहाँ से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके, सुबह 5 बजे हमारी FSL की टीम पहुँच गई थी और उसने जांच करके जो वहाँ पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे तो वो जेल जाएंगे। छह व्यक्ति हैं। स्थानीय प्रश्न आप स्थानीय प्रशासन से पूछे, हम लोग आपको कुल ओवरऑल व्यू दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माध्यम से कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में। वो अनकनेक्टेड इश्यू है, उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपराधी थे, या उसको बना रहे थे या हैंडल कर रहे थे, उसमें वो घटना हुआ और बिल्कुल अलग स्थान पे हुआ। जहाँ वो झोंपड़ी में बना रहे थे उसकी भी हमने पहचान कर ली, वहाँ से भी कुछ अंश मिला। FSL टीम ने जब्त करके मिला भी लिया उसको। देखिए, हर चीज़ की इनपुट होना एक पहलू है। जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, 1832 जुलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनवमी के अवसर पर और ये दो स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन्न हुए हैं। तो निश्चित ही जो इनपुट थी, जो उसके आधार पे प्लानिंग थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट थी, वो सही रूप से की गई। कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके आधार पर, वो भी प्रयास था, बहुत तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है और उसको नियंत्रित किया। कांडों में बिल्कुल निष्पक्ष और ठोस अनुसंधान होगा। जहां जहां भी ऐसी कोई व्यक्ति इसके पीछे अगर हैं, उनको एक्सपोज करके कानून के दायरे में लाया जाए। तो अभी आपने देखा जो बिहार के DGP हैं RS भट्टी, उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर अब जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है और वहीं उन्होंने भी बताया कि दोनों जगहों से 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जो लोग भी
इस पूरे घटनाक्रम में दोषी होंगे वैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और वही नहीं, आर एस भट्टी ने ये भी बताया कि जो राज्य के शांति माहौल को बिगाड़ने के कोशिश करेंगे वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि सासाराम में बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, सभी लोगों का इलाज चल रहा है और इलाज होने के बाद सभी लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार के DGP RS भट्टी, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।